आपका गोरखपुर आगमन हुआ, कैसा लग रहा, क्या कहना चाहिए? बहुत बढ़िया लगा है, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छी सिटी है, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही, जिस तरह से मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इतना अच्छा सत्कार, इतना अच्छा वेलकम, बट जिस तरह से उन्होंने हार के साथ इतना वेलकम किया, बहुत ही अच्छा, किसको नहीं अच्छा लगेगा। एज आई टोल्ड यू, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बिकॉज जिस तरह से आपने, आप सारे लोगों ने वेलकम किया है हमें यहाँ पे, बहुत ही अमेजिंग। फिटनेस को लेकर के क्या मैसेज देना चाहेंगे? फिटनेस को लेकर मैं यंगस्टर्स को यही मैसेज देना चाहूंगी कि बहुत, जैसे मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में बोला अभी, कि बहुत सारे जो यंगस्टर्स है हमारे, वो स्टेज पे बड़े बड़े एथलीट्स को देख के इन्फ्लुएंस होते हैं, बट ये अच्छी बात है, इसमें कोई दोहरा नहीं है, अच्छी बात है, बट मैं यही बोलना चाहूंगी उन्हें कि फिटनेस एक प्रोफेशन है, बट उसके साथ आप, क्योंकि यंगस्टर्स में देखा जाता है कि वो पूरा फैमिली छोड़ के सिर्फ फिटनेस में आ जाती है, एंड कहीं ना कहीं माँ बाप तो फिर अलाउ नहीं करते, बिकॉज वो घर की तरफ ध्यान नहीं देते इसके लिए। सो मैं यही कहना चाहूंगी कि बॉडी बिल्डिंग को लेकर आप अपनी फैमिली को भी संभाले एंड थोड़ा सा टाइम दो, बिकॉज यंगस्टर्स में आजकल देखा जाता है पेशेंस लेवल बहुत कम है, उन्हें उतना रुकना नहीं है। जैसे मैं अभी 6 साल से बॉडी बिल्डिंग कर रही हूँ, ठीक है, तो तभी जाके मैं यहाँ पे एक मुकाम पे आके पहुंची हूँ, बट अभी अगर यंगस्टर्स को बोला जाए तो उन्हें 1 साल भी रुकने का नहीं है। सो आई जस्ट वॉन्टेड टू से ऑल द यंग पीपल, थोड़ा पेशेंस रखो, अच्छा खाना खाओ, अच्छे प्रोटीन खाओ, अच्छे सप्लीमेंट्स लो, एंड आपकी जो जेनेटिक्स है उसे प्रॉपरली यूज करो, यही मैं एक यंगस्टर्स को मैसेज देना चाहूंगी। बॉडी बिल्डिंग में लड़कियों के लिए फ्यूचर है, डेफिनेटली फ्यूचर है, मैं नहीं बोलना, नहीं फ्यूचर है ऐसे मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैं एक बहुत ही छोटे गांव से आई हूँ जहाँ पे वो जगह एक गूगल मैप पे भी नहीं है, वहाँ पे टेलीफोन नहीं है, वहाँ पे बस सर्विस नहीं है। सो मैं उस एरिया से आज इस मुकाम पे आई हूँ, तो डेफिनेटली सारी लड़कियों के लिए अपॉर्चुनिटी है, बट वही है कि फैमिली सपोर्ट नहीं करते, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कोचेस है वो मिसगाइड करते हैं। तो मेरा यही कहना है कि जो फीमेल है, फीमेल के हॉर्मोन्स बहुत ही डेलिकेट रहते हैं, तो उसके लिए गुड, अच्छा कोच होना, जिसे बहुत ही अच्छा नॉलेज है, वो कोच होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिट रहने के लिए मैसेज ये, हर कोई सोचता है कि जिम ही जाना जरूरी है, ऐसा नहीं है, कहीं ना कहीं आप स्टार्ट करिए, आप वॉकिंग कर सकते हो, साइकिलिंग कर सकते हो, बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स हैं जो आप कर सकते हो, जिससे आप फिटनेस को पहले अपनी लाइफ में ला सकते हो। तो बेसिकली मेरा मैसेज यही है युवाओं से कि कहीं ना कहीं स्टार्ट करना जरूरी है, गलत आदतें छोड़ के अगर वो राइट न्यूट्रिशन, राइट डाइट, अच्छा खाने की तरफ वो अगर अपना रुख मोड़ेंगे तो उनको ग्रोथ भी अच्छी मिलेगी और उनकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो स्टार्ट करने के लिए बेसिकली कहीं ना कहीं कुछ तो स्टार्ट कर रहा है, लोग सोचते हैं मैं मंडे से जाऊंगा या 1 तारीख से जाऊंगा, वो नहीं है, आज ही से चालू करना होगा, अगर आप आज ही से चालू करोगे तो ग्रोथ होगा। अच्छा, ZZI द्वारा फेक है, फेक को लेकर मुहिम चलाई जा रही, क्या लग रहा है इस पॉइंट को, समर्थन आप दे रहे? समर्थन तो पूरा ही रहेगा, कौन कौन फेक सप्लीमेंट खाना चाहेगा, कोई नहीं खाना चाहेगा। तो मेरा बोलना यही है कि अगर उन्होंने एक अच्छी अच्छी मुहिम चलाई है जिससे लोगों को एक मैसेज पास हो रहा है, एडुकेशन मिल रहा है, बेसिकली क्या है, एडुकेट, एनेबल एंड इंस्पायर, ये 3 चीजें हैं। तो आप लोगों को सिखाइए, उनको उसका, उनकी जानकारी दीजिए और इंस्पायर करिए, ये 3 चीज अगर होगी तो फिटनेस इंडस्ट्री ग्रो करेगी, हेल्थ भी ग्रो करेगी।